श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। उस परब्रह्म परमात्मा में द्वैत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो दिखाई दे रहा है केवल वो विकल्प है। विकल्प माने वस्तु शून्यो विकल्पः शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्यो विकल्प। वहाँ पे खोजने से वस्तु नहीं मिलता, ठीक है। तो दो उदाहरण दिए हैं कैसे कालत्रये अपि अहिहि ईक्षित गुणे, तीनों अवस्थाओं में कालों में रज्जू के ऊपर सर्प कभी भी नहीं है, तीनों अवस्थाओं में तीनों कालों में नहीं है, और मरुमरीचिका भूमि भी कभी भी नहीं है, ठीक है। सो ये सब विकल्प मात्रम। अच्छा, अब नेक्स्ट श्लोक विल सी। माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतम् परमार्थतः इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात् सुषुप्ता वानुभूयते सुषुप्ता वनुभूयते। माया मात्रमिदं द्वैतं अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात् सुषुप्ता वनुभूयते। देखिए, यदि तीनों कालों में द्वैत नहीं है, जैसे पूर्व दिए उदाहरणों के द्वारा वहाँ बताया गया कि तीनों अवस्थाओं में भूत वर्तमान भविष्यत काल में जो रज्जु पर सर्प कभी नहीं था, अभी नहीं है, कभी भी नहीं होगा, मरुमरीचिका भूमि भी। यदि तीनों कालों में ये द्वैत यदि नहीं है तो मेरे अनुभव में क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मेरे अनुभव में हो रहा है, आ रहा है कि जगत है या नहीं है, तो इसको फिर कैसे करें?
जब आप नहीं हैं कह रहे हैं तीनों अवस्थाओं में, तो मेरे अनुभव में कहाँ आ रहा है? इसीलिए शास्त्र में कहा गया जगत क्या है, सद असद विलक्षणम्। जगत का क्या बताया गया जगत के बारे में? सत असत विलक्षणम्। सत असत विलक्षणम् माने ये न यहाँ न सत है न असत है, माने इसको सत के रूप में भी नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता तक बता सकते हैं? सत है करके अब अनुभव में हो रहा है, हम देख पा रहे हैं जगत को, सो इस जगत को देखना हो रहा है तो हाँ सत के रूप में आना चाहिए। सत माने एग्जिस्टेंस नहीं है ये सत, इसको सत भी कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? इसीलिए कि खोजने पर ये अंतर्धान हो जाएगा, खोजने से आपका द्वैत अनुभव हट जाएगा, मिट जाएगा। तो नहीं है कह दो, असत कह दो, हट जाएगा मिट जाएगा, माने आप इस जगत को हमसे भिन्न, आपसे अपने से भिन्न नहीं देखेंगे। अच्छा तो नहीं है कह दो, सत नहीं है तो असत है, असत बिल्कुल असत है तो कैसे दिख सकते हैं आप? असत को क्या कहा? असत माने जैसे खरगोश के सिंग, कभी भी जो नहीं होता तीनों अवस्थाओं में उसको कहते हैं असत। तो जगत का दर्शन हो रहा है कब? प्रतीति काल में। इससे पूर्व नहीं है, आगे भी नहीं होगा। इस वक्त जो दिखाई दे रहा है प्रतीति काल में दिखाई पड़ रहा है, इसका सत्ता नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे देख रहे हैं? स्वप्न जैसे। स्वप्न को आप सत नहीं कह सकते हैं, असत भी नहीं कह सकते हैं। स्वप्न यदि सत है तो तीनों अवस्थाओं में तीनों कालों में रहना है, वो तो स्वप्न कुछ समय रहेगा, बाद में विलीन हो जाएगा, स्वप्न नहीं रह जाता, स्वप्न जगत, सपने खत्म हो जाती है। अच्छा तो नहीं है क्या? नहीं, क्यों? जब तक आप स्वप्न में हैं आपका अनुभव ऐसा हो रहा है कि ये सब कुछ सच है। तो ऐसे ये विलक्षण बात जो द्वैत में द्वैती लोग मानते नहीं, भक्त लोग मानते नहीं इसको, असद सद असद विलक्षण मिथ्या अद्वैत में ही है, ये अद्वैतिक सांप्रदायिक लोग ही मानते हैं इसको, और कोई मानता नहीं। जगत को सद असद विलक्षणम नहीं कह सकते हैं वे लोग, नहीं कहते हैं। तो अब देखिए, तो इसलिए कहा गया माया मात्रम इदम द्वैतम। सो द्वैत का अनुभव जो है माया मात्रम, जगत का अनुभव, जगत क्या है? सत असत विलक्षणम, न सत है न असत है। अच्छा, यदि जगत सत नहीं है असत भी नहीं है तो सच क्या है? सच जो है साक्षी, जो देखने वाला है वही सच है। देखने वाला मन अहंकार नहीं है, यहाँ अहंकार के ऊपर जो बैठा है वही सत्यम। इसीलिए माया मात्रम,
तो जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब मिथ्या है। जो आपके सामने कोई भगवान प्रकट हो जाए आपसे भिन्न, वो भी मिथ्या ही है। ठीक है, वो भी मिथ्या ही है। पर सच क्या है? जो आप देख रहे हैं, जो देखने वाला है, वही सत्य है। ठीक है, तो माया मात्रम इदम द्वैतम, परमार्थतः अद्वैतम। अद्वैत माने आप ही है। अद्वैत माने कौन है? मैं, मुझसे भिन्न न जगत है न और कुछ नहीं है, न ईश्वर है न ब्रह्म है, कोई पदार्थ मुझसे भिन्न नहीं है। तो माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। सो वास्तविकता क्या है? अद्वैतम। परमार्थ क्या है? अद्वैतम। इसको मानना थोड़ा कठिन है, मगर निधिध्यासन के द्वारा समझ में आएगा। इति ब्रूते श्रुति साक्षात, ऐसा कौन कहता है? अद्वैतम परमार्थतः मांडुक्य कारिका में आया है, अद्वैतम परमार्थतः श्रुति माता कहती है। और ये ऐसा अनुभव सुषुप्तौ अनुभूयते, ये अद्वैतिक स्थिति हम सबको अनुभव हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है मगर हो रहा है। कब हो रहा है? सुषुप्ति में। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में रहते हुए जागने को कहते हैं जीवन मुक्ति स्थिति। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? इट इज वेकफुल स्लीप। निद्रावस्था में हम आपके अपने आप को नहीं जानते। यदि अपने आप को जानते हुए, हमने जानना माने हमसे भिन्न नहीं है, जानने वाला वहाँ पे त्रिपुटी नहीं है, होश में आ गया, अवेयरनेस आ गया, मैं हूँ ऐसा ज्ञान हुआ, मुझसे भिन्न और कोई नहीं है, इस अवस्था में वही अद्वैत ज्ञान है। तो माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुषुप्तावनुभूयते। ठीक है, हाँ। अब आत्मविचार, मनन, कभी श्रवण कराते, कभी मनन कराते, कभी निधिध्यासन कराते हैं विवेकचूडामणि में। मनन माने श्रवण हो गया, जो आपने श्रवण किया उसी को फिर दोहरा रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं। क्या है? अनन्यत्वमधिष्ठानात् आरोपस्य निरीक्षितम् पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीवनः अनन्यत्वमधिष्ठानात् आरोपस्य निरीक्षितं पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीवनः। अब देखिए, यहाँ पे कहा है अनन्यत्वम अधिष्ठानात्, अधिष्ठानात् अनन्यत्वम। ध्यान से सुनिए, ये मनन है, पहले कह चुके हैं। भगवान शंकराचार्य जी से वे ये नहीं कहते हैं कि
इसकी गणना में मैं एक हूँ, दूसरा जगत है, द्वैत है, ऐसा गणना शंकराचार्य करने नहीं देते। गणना माने काउंटिंग, ऐसे गिनो कि मैं एक हूँ, दूसरा जगत है, ऐसे गिनने नहीं देते। दो चीज़ है तो ये क्यों? क्योंकि जैसे कि आप क्या कहते हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है, जब आप गिनते समय मैं और मेरा प्रतिबिंब यहाँ पे दो है, ऐसा कहते क्या? ठीक है, प्रतिबिंब अलग नहीं है आपसे, आप है तो प्रतिबिंब है, यदि आप नहीं है प्रतिबिंब नहीं है, तो प्रतिबिंब आपसे भिन्न नहीं है और प्रतिबिंब का आधार आप ही है। देखो तो प्रतिबिंब को अलग से गिनना गलती है। देयरफोर आप यह कह रहे हैं क्योंकि प्रतिबिंब स्वतंत्र नहीं है, है ना, इसी तरह सारा जगत जो है मुझ पर आरोप किया गया, इसका मतलब क्या है? मैं हूँ तो जगत है, यदि मैं नहीं हूँ तो जगत नहीं है। और भी आप थोड़ा धीरे जाओगे, जैसा मैं हूँ जगत भी मेरे जैसे ही है। इसको समझना कठिन है, हमें लगता है कि जगत हमसे भिन्न है, नंबर वन, हमारा साथ कोई संबंध नहीं है, हम तो अलग है जगत से, जगत पर हम निर्भर है, हम पर जगत निर्भर नहीं, जगत में जगत पर हम निर्भर है, जगत में विविधता जो दिखाई दे रहा है वो सब अलग अलग है, ऐसे विचार है। देयरफोर कहने कहा जा रहा है अभी कि कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं वह जगत आप ही के ऊपर आरोप किया गया, आप उसका अधिष्ठान है, जगत आरोपित किया गया और आरोपित वस्तु, आरोपित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। यू अंडरस्टैंड हिंदी या रैप पता नहीं, आरोपित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ये कह रहे अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोपितस्य। तो आरोपित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, और जगत यदि मुझ पर आरोप किया गया तो जगत भी मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे कि रज्जु पर सर्प का आरोप हुआ, सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, प्रतिबिंब आपसे भिन्न नहीं है, जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यू आर देयर वर्ल्ड इज देयर, If you don't exist, world doesn't exist. Full stop.
सो जगत का केंद्र कौन है? आप ही है। सो सुपर इम्पोज्ड वॉट एवर इट इज सुपर इम्पोज्ड, द सुपर इम्पोज्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स सबस्ट्रैटम। सुपर आरोपित वस्तु माने मतलब क्या है? अधिष्ठान के बिना आरोपित वस्तु का अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसी तरह जगत का अस्तित्व अपने से भिन्न नहीं है। ठीक है, अभी आपको जरा सोचना चाहिए। जिस जगत में आप जी रहे हैं, एक एक आप सभी लोग एक एक अपने अपने जगत में जी रहे हैं अभी भी, जिस जगत में आप जी रहे हैं, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति उस जगत में जी नहीं रहे, उसका अपना अपनी दुनिया अलग है। बगल में तो बैठे हैं मगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में बैठे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तस्याम जागृत संयमी, उस श्लोक में बस इसी जगत को वे जिस 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 लोक में जिस स्थिति में आप जगे है उस स्थिति में उस स्थिति को उनके लिए नींद अंधकार समान है, और जिसमें वे जगे है वह स्थिति अपने लिए अंधकार है। कहाँ क्या गया अंग्रेज संस्कृत में एक बोलता है शंकराचार्य, कृष्ण भगवान बोलते हैं जब सब लोग सो रहे हैं वे जगे हैं, जब वे सोते हैं सब लोग जगे हुए होते हैं, जब वे जगते हैं हम सब सो रहे, जिसमें उनका जगना हुआ वो उसमें हमारा सोना हो रहा है, निद्रा हो रही है। मतलब क्या, उनकी दुनिया अलग है। तो मैं जिस आंखों से जिस दृष्टिकोण से जिस भाव से जिस ढंग से इस जगत को देख रहा हूं, आप ऐसे नहीं देख रहे हैं, आपका दृष्टिकोण अलग है। तो आप जिस जगत को आप देख रहे हैं वह जगत आपसे भिन्न नहीं है। आप जो जिस जगत को देख रहे हैं उस जगत के अलावा दूसरा जगत आपको दिखाई नहीं देता। ओके, लेट मी अवेकन इन टू योर वर्ल्ड, नहीं होगा। बस तो ये पहले जानना है, अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोपस्य निरीक्षितम पंडितैः, विद्वानों के द्वारा वे अलग नहीं देखते, आरोपित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। जो अधिष्ठान है वो तो जगत के बगैर रह सकता है। हाँ जी, लेकिन जगत अधिष्ठान के बगैर नहीं रह सकता। वो जगत का अधिष्ठान कौन है? आप है, ये जानना चाहिए। जगत का अधिष्ठान ब्रह्म फिर मुझसे अलग है ऐसा नहीं कहना है। आप है, तो विकल्पो भ्रांति जीवन।
तो बाकी सब क्या है, सुपर इम्पोजिशन विकल्प, विकल्प मात्रम। विकल्प माने वस्तु शून्य, वहाँ पे वस्तु सर्प रूपी वस्तु का है क्या रज्जु पर? नहीं है। आप सर्प का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सर्प वस्तु है क्या वहाँ पे? जहाँ पे वस्तु नहीं है केवल शब्द का प्रयोग हो रहा है वह विकल्प है, वह विकल्प है। विकल्प हिंदी में विकल्प नहीं है, संस्कृत का विकल्प है। तो विकल्पो भ्रांति जीवन, तो विकल्प क्या होता है? ये भ्रांति जीवन। तो प्रतीत हो रहा है मगर भ्रांति है, जो प्रतीत हो रहा है उसका सब्सटेंस नहीं है, शब्द उसके प्रति प्रयोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं विकल्प। अब देखिए थोड़ा थोड़ा साधना के लिए सोचेंगे, बहुत मुश्किल है समझना। यदि आप इसको स्वीकार करते हुए जीना चाहते हैं कि ये जगत मुझसे भिन्न नहीं है, मुझ में आरोपित किया गया, ठीक है, तब आपका जीवन कैसा रहेगा? जरा सोचो। कंप्लाइंट फ्री एग्जिस्टेंस, और किसके ऊपर शिकायत करते हैं? ना आपने ऊपर भी शिकायत नहीं कर सकते, भ्रम है ये सब। एक्चुअली इट इज ए प्रोजेक्शन आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आफ्टर प्रोजेक्शन, मल्टीपल प्रोजेक्शंस एंड थ्रोइंग अप अनदर प्रोजेक्शन, उसका प्रोजेक्शन के ऊपर हम दूसरा प्रोजेक्शन। इट्स ए वी हैव कॉम्प्लिकेटेड अवर माइंड विथ सो मेनी प्रोजेक्शंस। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी व्यक्ति को आपने देखा, देखने के बाद आपको लगा कि ये अच्छा आदमी नहीं है, आपको लगा, लगा मतलब क्या है? प्रोजेक्शन। आपको लगा माने ये आपका मन का खेल, ठीक है। उस व्यक्ति आपके पास आकर बात कर रहे हैं, तो यू रिएक्ट टू हिम, रिएक्ट टू व्हाट? नॉट टू हिम, यू आर रिएक्टिंग टू योर ओन प्रोजेक्शन। माने आप उस व्यक्ति के तक, व्यक्ति तक कभी पहुंचा ही नहीं, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्शन को देख करके आप रिएक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति के तक कभी पहुंचे ही नहीं हम। तो हमारा डायलॉग किससे चलता है, जो व्यवहार चलाता है, हम समझते हैं उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार हो रहा है, व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, आप अपने प्रोजेक्शन के साथ हो रहा है व्यवहार। ये भैया ये तो दिन में हजार करोड़ बार कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बुद्धा सेज कट दिस इल्यूजन्स, कट दिस, देन यू विल सी द रियलिटी। हम्म,
देखिए सूक्ष्म बात है कि नहीं। तो जगत यदि मेरा ही मेज पर आरोप किया, मैं ही इसका आधार हूं, जगत मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ही अद्वैत स्वरूप हूं, अब व्यवहार कैसा रहेगा? क्या बोलूं, क्या शिकायत करूं? देखिए, और आपका प्रोजेक्शन माने आपका पूर्व कर्म। तो हम बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक जाल में बैठकर उसी जाल में अपना कर्म का प्रोजेक्शन स्क्रीन जाल, एक जाल नहीं तो एक शेल बना के उस शेल में बैठकर पूर्व कर्म के अनुसार प्रोजेक्ट करते हुए उस प्रोजेक्टेड पिक्चर के साथ हमारा व्यवहार चलाते हुए बाहर दुनिया से पूरा खटकर जी रहे हैं। होल लाइफ वी आर लिविंग इन ए शेल। सच कह रहा हूँ, ईच ऑफ वन ऑफ अस आर लिविंग इन अवर ओन शेल। अंदर के जो दीवारें होते हैं ना शेल के, उस पर हमारा प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शन के साथ हमारा फिर व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहार दूसरों पर आरोप करते हैं। इतना खचड़ा है, जो भी है वासना के कारण दीवारें बनाए, बना दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। तो विकल्पो भ्रांति जीवन, विकल्प माने भ्रांति, फिर भ्रांति ही है, सब कुछ भ्रांति ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन आया, एक दिन आपको लगा कि स्वामी जी का उनका चेहरे आज थका हुआ दिख रहा है, ऐसा आपको किसी को महसूस हुआ। डेढ़ घंटा उस चेहरे से ही आप इंटरेक्ट करते हैं, आप मेरे तक पहुंचे ही नहीं। तो विथ इन इज ए क्या है, एन इल्यूजन विथ इन द इल्यूजन, विथ इन द किसके, कौन सा इल्यूजन के अंदर ये इल्यूजन है? मूल अविद्या क्या है, मैं करके कोई आदमी आपसे भिन्न नहीं है, मूल अविद्या, मूल ज्ञान एक्चुअली, वो मुझसे भिन्न है मूल अविद्या। वो अविद्या के ऊपर दूसरा अविद्या गांठ बांध दिया, कौन था गांठ, इसका चेहरा ठीक नहीं है, उसके ऊपर चेहरे के कारण डेढ़ घंटे बैठकर आज का लेक्चर ठीक नहीं है, कल बहुत हंसाया आज नहीं हंसा रहा है, सो मेनी थॉट्स यू प्रोजेक्ट। मूल अविद्या, मूल मूल का अलग है। अब देखिए वेदांती लोग, महात्मा लोग कहते हैं, आप तो फिर हिम्मत होनी चाहिए वेदांत को मानने के लिए। समझ में नहीं आता एक्चुअली, भाई इससे अच्छा भगवान का नाम लो, आरती उतार दो, कृष्णा कृष्णा बोलो, काम बन जाएगा। ये क्या प्रोजेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के ऊपर प्रोजेक्शन, पागलपना है क्या? वी आर वी लिविंग, एक्चुअली वी आर लिविंग दैट वे। भ्रांति जीवन, बस। तो विकल्प, सारे हम विकल्प के जगत में ही जी रहे हैं। हिंदी विकल्प नहीं, संस्कृत विकल्प। कब आएंगे बाहर इससे?
तरीका क्या है? सावधान, इतना सावधान होना है अंदर, प्रत्येक थॉट हमारे पर्यवेक्षण के बिना उत्पन्न ही नहीं होना है। पर्यवेक्षण माने परिवेक्षण, वीक्षण, ऑब्जर्वेशन, भाई मेरे मोहर के बिना कोई थॉट निकलना नहीं बाहर, मैं मोहर डालूंगा तब जाओ। अब कौन सा मोहर है, तो लहर है क्यों? एक एक थोड़ी आता है थॉट्स, लहर उठते हैं, लहर। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, आप सच कह रहा हूँ, प्लीज लिसन। या मन के अंदर जो भी इतना ग्रॉस सॉलिडिफाइड कवरिंग करके बैठे हैं ना, उसके ऊपर हल्का फुल्का लेयर के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं। वी थिंक वी आर हैप्पी एंड स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग, ऊपर ऊपर लहरें में केक कटिंग ऊपर ऊपर हो रहा है। अंदर जो एरिया है उसको हथौड़ी लो, कुछ भी लो, वो फूटेगा नहीं। सो यू आर फॉल्सली सेटिस्फाइड दैट यू आर स्पिरिचुअल। वी आर फॉल्सली सेटिस्फाइंग आवरसेल्व्स दैट वी आर स्पिरिचुअल, ऐसा भी नहीं करूंगा भाई। हम ना अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं कर रहे हैं। नहीं अंदर, वो अंदर की बात नहीं, मन के अंदर जो खचरा भरा हुआ है वो इतना, इसका डेंसिटी इतना मजबूत हो गया, उसको तोड़ना फोड़ना, इस इल्यूजन्स को निकालना, मोह इन डिल्यूजन्स को हटाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी हम कहते थोड़ा अच्छा, तो किसी को 10 रुपया दान दे दिया, किसी को एक खिला दिया, किसी के साथ हंसते हंसते बात कर लिए, हम समझते वी आर स्पिरिचुअल। ठीक है, वो तो ठीक है, मगर कितने जन्म तक हम करते रहेंगे ये सब? इसीलिए मन के अंदर जाके इट्स अ मिशन, इट्स अ मिशन, बहुत कठिन जॉब है। जब मन को अंदर पकड़ने के प्रयास करो वो मिलता नहीं, ग्लैमर के पीछे बहुत सारे चीजें हैं, मसाला अंदर। एंड सुपरफिशियली वी आर डिराइविंग फॉल्स हैप्पीनेस। अच्छा सर, ये विकल्प विकल्प आप जो कह रहे हैं, इसका कारण क्या है, मूल क्या है? चित्तमूलो विकल्पोयम्, चित्ता भावे न कश्चन, अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि, चित्तमूलो विकल्पोयम्, चित्ताभावे न कश्चन, अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग्। गुरुदेव लिखते हैं, इस पागलखाने से बाहर निकलने के लिए बाहर भागते हुए मन को शांत करना होगा। चित्त मूलः विकल्पः अयम्, इस विकल्प का मूल क्या है? मन। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः।
चित्तम चित, आप योग वासिष्ठ पढ़ो, त्रिपुरा रहस्य पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, विकल्प का मूल कारण क्या है? चित्तम मनः। मन कहता है कभी कभी, एक किसी भी एक तरफ एक जाल फैला के आपको फंसाता रहता है। मन कहता है तुम तो अभी बहुत सुन लिया, अब घर के अंदर बैठ के दुनिया से हटकर एकांतवास करो, तुम अभी श्रेष्ठ बन गए हो, अब तुम बड़े बेहतरीन साधन के लिए लायक हो गया हो, इसीलिए घर पर बैठो, अंतर्मुख हो जाओ। अच्छा, मन बोल रहा है, सुनिए, जरा ढूंढो इस विचार क्यों आ रहा है। आई कैन एस्केप माय आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो खाना बनाना जरूरी नहीं है, घर ठीक करना रखना जरूरी नहीं है, जो कर्तव्य कर्म उससे बच सकते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, बस मैं अपने आप को अभी ज्ञानी बन गया हूँ, बाहर दुनिया सब गंदे गंदे लोग हैं, सब बेकार है, मैं खुद ही श्रेष्ठ हूँ, साधक हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ मिलता नहीं हूँ, किसी के साथ झुलता नहीं हूँ, किसी के साथ बात नहीं करता हूँ, मैं अपने आप में बैठता हूँ। लगता कैसा, बड़े साधक है। मन वही आपको धोखा दे रहा है। मनोनाश, मनोनाश माने व्यावहारिक मन तो रहेगा ही, यदि मन नाश हो गया व्यवहार कैसे करेंगे, महात्मा लोग कैसे बात करेंगे। तो अज्ञान दशा में जो अज्ञानी मन है उसका नाश हो गया, इग्नोरेंट माइंड इज डिस्ट्रॉयड, दैट माइंड विच इज अवेकेंड माइंड इज अलाइव। वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो पहले जानना क्या है, ये सारे झंझट का कारण क्या है, मूल क्या है, अयम विकल्पः। विकल्प माने चित्त संसार, चित्त मूल विकल्प माने संसार, इस संसार का मूल कारण क्या है, मन ही है। संसार माने आपसे भिन्न नहीं है, आपका ही अपना संसार। इस संसार, संसार माने डोंट गो आउटसाइड, नक्षत्र ग्रह मंडल सारी दुनिया, संसार माने आपका मन। अंडरस्टूड, साइकोलॉजिकल हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी, जब हम कहते हैं संसार, इस संसार में, इस संसार में माने आप, समझ कैसे रहेगी आपकी, पहले इस संसार में माने इस संसार में, बाहर के दुनिया में नहीं, आपके मन में। संसार माने आपका ही मन है, आपके मन के अलावा कोई संसार नहीं है। उसी में मन आपको बाहर ले जा रहा है, मन धोखा दे रहा है। कहां से, कहां कैसे धोखा दे रहा है, कि मन समझाएगा आपको कि संसार माने बाहर दुनिया, मैं नहीं हूं, मैं अच्छा हूं। आक्षेप करना, नफरत करना, शिकायत करना, दुनिया को देखते हुए दुनिया खराब है मैं अच्छा हूं, करने वाला वही है। ये बात नहीं, संसार माने आपका ही मन है, जगत विकल्प माने जगत, तो इज कॉज्ड बाय माइंड। चित्ताभावे न कश्चन, यदि चित्त अंतर्धान हो गया अपने आप में, कुछ भी नहीं रह जाता। अभाव माने मन का अभाव माने मन का नाश नहीं है। अवेकेंड माइंड, योर लोअर माइंड डिसअपियर्ड, इग्नोरेंट माइंड डिसअपियर्ड, नॉलेज माइंड, ट्रांसेंडेंटल माइंड इज प्रेजेंट, वो बंधन कारक नहीं है।
अतः चित्तम समाधेहि। देयरफॉर क्या करना चाहिए हमको, साधना करनी है। क्या कहा, प्रमात्र विलक्षण साक्षी चैतन्य में अपने आप को, अपना मन को विलीन करना है। प्रमात्र विलक्षण साक्षी चैतन्य, प्रमात्र कौन है, अहंकार, क्योंकि दो तरह के हैं, एक अहंकार रूपी अहम नोवर, दो ज्ञाताएं हैं, शुद्ध साक्षी और अहंकार रूपी ज्ञाता। अहंकार रूपी ज्ञाता मतलब प्रमात्रु, प्रमात्र विलक्षणम, प्रमात्र नहीं मन अहंकार के हटा को, अहंकार को हटा करके, हटा के उसके ऊपर अहंकार को भी देखने वाला जो साक्षी चैतन्य है, उसमें, उस साक्षी चैतन्य में, उसको कहते हैं पर आत्मा, पर आत्मनि, पर आत्मा, अपर आत्मा अहंकार, पर आत्मा साक्षी चैतन्य, उस साक्षी चैतन्य में हमारा मन को लेकर के उसमें स्थापित करना है। प्रत्येक रूपे उपर आत्मनि, पर आत्मनि, अपर आत्मा अहंकार, अभी हमारा मन कहाँ बैठा है, अहंकार में बैठा है, उसको ऊपर उठा के पर आत्मनि में बिठाना है, विलीन करना है। इसीलिए करना क्या है, निरंतर सावधान पूर्वक रहना। वहां पे बोर्ड में होता है ना, सावधान हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारे साथ यही होता है, जरा सा भी मौका दिया मन को, आपको सड़क पर बिठा देगा एक क्षण में। सड़क पर गौरव से नहीं बिठाता है, कुचल मचल करके, आपका नंगा करके, सत्यानाश करके सड़क पर लेके बिठा देता है। जरा सा मौका दिया तो कह रहे हैं, ये जानो आप, आप अपने सारे दुखों का कारण हमारा मन ही है। कोई मर गया, दुख होता है कि नहीं होता है, स्वामी जी बताइए, सच बताऊं, हाँ दुख नहीं होना है, नहीं होता है कि नहीं, रो मत, होना जरूरी नहीं है, नहीं रोए तो लोग समझेंगे, यही मन है, नहीं रोए तो लोग समझेंगे, समझेंगे कि हम प्यार नहीं करते इससे, बकवास है, बकवास है। मैं जो जी रहा हूं वही बोल रहा हूं मैं आपको, मैं गुरुदेव अटेंड समाधि, इंस्टेड ऑफ क्राइंग आई वॉज थिंकिंग हाउ टू कॉन्टैक्ट हिम नाउ। ही इज नॉट डिसअपियर्ड फिजिकल वर्ल्ड से, अभी हाउ टू कॉन्टैक्ट गुरु, वो गया कहीं नहीं, देयर इज नो क्राई, छोड़ा कुछ नहीं, कहाँ कौन सा किसको छोड़ेगा, सो क्राइंग इज नॉट एट ऑल गुड, एनीबडी डाइज नो क्राइंग, अपना काम कर लिया, मिशन खत्म हो गया, चला गया, बस बाय 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 बाय। बट गुरु है, गुरुदेव से फिर ये विचार होता, कैसे कांटेक्ट करें, कैन आई कांटेक्ट माय मास्टर, बस गुरुदेव सेड वेट, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम, ऐसा उन्होंने लिखा किताब में। तो ये प्रश्न जरूरी है।
अब आप घर वाले जो मर गए तो आई डोंट कॉन्टेक्ट देम ऑल्सो डिस्टर्ब देम, इफ यू कॉन्टेक्ट देम दे गेट डिस्टर्ब्ड, वही कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, कर्म खत्म हो गया, बाय बाय। स्वामी जी आपको बोलना बड़ा आसान हो रहा है मंच पर बैठ के, जीना मुश्किल है, आपकी इच्छा। क्योंकि ये जब ये दुनिया को सच मानकर बैठे हैं, सारा दुख मन से ही होता है। सारा दुख का कारण मन ही है। प्रत्येक क्षण क्षण में, क्षण क्षण में आपको मन मन दुख देता है। दुखी हुए माने माइंड इज ऑपरेशनल, सुखी हुए माइंड इज ऑपरेशनल। सुख के लहरे के ऊपर बैठा है, लहरे है ना, वो लहर है, लहर का मतलब उसकी लहर के ऊपर आप बैठे हैं, कितने देर बैठ सकते बताओ, बताइए लहर के ऊपर। हाँ हाँ अच्छा अच्छा है बहुत, उसी समय गिरते जा रहे हैं, बोलते समय में भी आपके प्रयाण हो रहा है नीचे नीचे की ओर खींचा जा रहा है, आपको लग रहा है कि लहर पे बैठे हैं। अरे बाबा एक क्षण के लिए भी लहर स्थिर नहीं होता, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट समाधेहि समाधानं कुरु। समाधेहि माने चित्त को लेकर के उसी में स्थापित करो, विलीन करो, किसमें पर आत्मा में। ठीक है, हाँ जी मुश्किल है, करिए साधना, करिए करिए करिए। वो तो सोने में नहीं देता, सुषुप्ति में भी नहीं जाने देता। मैं एक बात बताता हूँ, सुषुप्ति में मैंने नींद नहीं सोता है ना मन, सोए सो मत, सोए मत, उठाओ, उठ के बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठ के बैठ के किताब खोलो ब्रह्मसूत्र, मन देखेगा भाभी ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे रात को 12 बजे, तुरंत सो जाएगा। तो ग्रंथ ऐसा ग्रंथ निकालना है ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुरंत नींद आएगा, डरो मत, नींद नहीं आता नींद आना क्यों, मन बेटा सोना नहीं क्या तुमको, नहीं नहीं तो काम कराता हूं, काम कराइए, डरो मत। गुरुदेव कहते थे नींद के लिए भी ताकत चाहिए, नींद के लिए भी ताकत शक्ति चाहिए। सो गुरुदेव कहते थे इफ यू आर नॉट गेटिंग स्लीप टेक 1 कप ऑफ मिल्क विथ 2-3 स्पून्स ऑफ शुगर, कागे पी लेना हनी ये सब डाल के पी के फिर भी नहीं हुआ तो मन को बोलना बेटा तुमको थैंक यू फॉर कीपिंग योर सेल्फ अवेक, आई विल यूटिलाइज योर सर्विसेस। किसी कारण कभी 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 होता है मुझे नींद नहीं आना, कभी कभी होता है, कभी कभी वेरी रेयर। सो डिस्टर्बड स्लीप, 11 बजे कोई फ़ोन कॉल आया, गलती से मैं फ़ोन बंद नहीं किया, तो बाद में 2 घंटा सो नहीं सकता हूँ, तो 2 घंटे किताब लेके बैठ जाता हूँ पढ़ते पढ़ते पढ़ते। वाई वेस्ट टाइम, मैं पूछता हूँ मन से नहीं नहीं लग रहा है, नहीं नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है किताब खोलो बैठो पढ़ो, नहीं तो जप करो ध्यान करो,
डरना नहीं किसी चीज से, डर भी चित्तमूल है। क्या होगा मेरे, मुझे क्या होगा, डरो या ना डरो, एक दिन मरोगे कि नहीं, तो डर के साथ क्यों मरना है, तो निडर होकर रहिए, मरिएगा, ऑल द बेस्ट, क्या प्रॉब्लम है। डर रखने से अपने आप बचा सकते हैं क्या, तो डर क्यों, समझे, आपको बड़ा आसान लग रहा है सब बोलना, और क्या रास्ता है बताओ। अच्छा, मेरे बगल में बैठो, मेरे हाथ पकड़ के रखो, मैं मरूंगी नहीं, ट्राई करो। किसी ने आपका हाथ पकड़ा, हम आपको मरने नहीं देंगे, होता क्या, वो खुद ही मर जाएगा। इसलिए आप उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना ठीक है, उस व्यक्ति को आपने हाथ दे दिया पकड़ने के लिए, बाद में छोड़ाना मुश्किल हो गया, वो मर जाएगा, फिर बाद में अरे छोड़ो। इसलिए सावधान रहकर आप ही पकड़ो देश किसी का हाथ, कोई बात नहीं, पकड़ो, मरेगा ना, नथिंग इज पॉसिबल। देयरफॉर संसार का सारा दुख का कारण क्या है, मन ही है। जिस दिन आपको ये मजा में आएगा, समझ में आएगा, नंदति नंदति नंदत्येव, ठीक है, नहीं तो भज गोविंदम में नंदति नंदति नंदत्येव। ओके, किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम, निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं, निरवधिगगनाभं निष्कलं निर्विकल्पम्। हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ, किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं, निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। समाधि, देखिए 409, 410, 411 तीन श्लोक वेदांतिक विद्यार्थी के लिए समाधि अभ्यास कैसे करना है, ये दे रहे हैं तीन श्लोकों में, छोड़ना नहीं, समाधि अभ्यास कैसे करना है ये बताया जा रहा है। एक 409 में, 410, 411 तीनों श्लोकों में आखिरी जो पंक्ति है, चौथा पंक्ति, हृदि कलयति विद्वान ब्रह्मपूर्णम समाधौ, एक कॉमन है ना, ये एक ही है। अब सबसे इसलिए पहले किमपि माने ऐसे कुछ चीज है, उस चीज को लेकर के कौन सा चीज है, कैसा है बताएंगे। तो आखिरी पंक्ति में कहा जा रहा है कलयति विद्वान, विद्वान वाइज मैन, समाधौ हृदि ब्रह्मपूर्णम कलयति। समाधि में बैठ के विद्वान क्या करता रहेगा काम, ब्रह्मपूर्णम कलयति हृदि समाधौ। समाधि अभ्यास में, समाधि निधिध्यासन में, समाधि अभ्यास में हृदय में अपने मन में, ठीक है,
पूर्णम ब्रह्मा, पूर्णम ब्रह्मा वो समस्त सर्वव्याप्त शुद्ध चैतन्य अस्तित्व सद्रूप सद्वस्तु जो है अनंत सद्वस्तु, उसके बारे में हृदि कलयति, हृदि माने मन में, कलयति माने ध्यायति, ध्यायति मेडिटेट्स और थिंक्स और इन्वोक्स, तीन पद हैं। बैठ गए। देखिए हमको बहिर्मुख मन, हमारा मन क्या है ना, बहिर्मुखी है, इसलिए इसको एंटरटेनमेंट के लिए कभी पकौड़ा खिलाना है, कभी रसगुल्ला खिलाना है, कभी जिलेबी खिलाना, कभी टीवी के सामने बिठाना है, कभी स्पोर्ट्स दिखाना है, कभी बच्चों से कभी फ़ोन कराना है, कभी मूवी देख के जाना है, इसको एंटरटेन करने में मेरा जन्म सारा हो गया। हम कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक बताओ? एंटरटेनिंग योर माइंड, खिलाने में, थक गए तो सुला दो, उठ के फिर पकौड़ा खाओ, मूंगफली खाओ। पैम्परिंग द माइंड है या नहीं बताओ? और मन तो मांगता रहेगा, हम देते रहेंगे। माने सुबह से लेकर के शाम तक सोने तक, या उठने से लेकर के सोने तक, बीच में सो गया तो तब तक एक्सेप्ट निद्रा अवस्था सुषुप्ति अवस्था, मन हमेशा मांगता रहता है, उसको हम देते रहते हैं। चलो उसको फोन करो, फोन किया, गप्पे मारा, और मॉडर्न गैजेट्स, मॉडर्न गैजेट्स मोर द डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द माइंड। पुराण काल में पेड़ के नीचे बैठते थे आराम से, घर के बाहर आंगन में आके वृक्षों के, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बैठ के आराम से बात करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं होता। अब क्या है, टीवी चलाओ, ये है वो है, बहुत सारे चीजें हैं। देखिए यहां पे वेदांति स्टूडेंट, ये एक साधक विद्यार्थी है, वो क्या करता है, हाउ डज ही पास द टाइम, हृदि कलयति, ध्यायति, चिंतन करोति, चिंतन करता है। जब जब मौका मिला उनको बैठ के अपने अंदर, हमारे आप वासना नहीं है ना, अभी मन तो बाहर लेने की वासनाएं ज्यादा है, अंतर्मुखी वासनाएं नहीं बनी है ज्यादा, तो कंपेयर टू इनवर्ड वासनास आउटवर्ड वासनास आर मोर। तो हमारे लिए क्या संघर्ष हो रहा है, तो जब हम चाहते हैं मन अंदर जाए, बट मन वासना के प्रभाव दबाव के कारण मन बाहर जाता है, बट जिस दिन हम बाहर जाने का जो मन को थोड़ा नियम में लाकर नियंत्रण करके अंतर्मुखी बनने का अभ्यास किया, फिर कैसे करें, एंटरटेनमेंट कैसे है, हृदय कलयति, हृदय में चिंतन करो, ध्यान करो, किसके बारे में, पूर्णम ब्रह्मा, पूर्णम ब्रह्मा किसमें, कहाँ, कब, समाधव कौन करेगा, विद्वान। क्या सोचेगा, किमपि सतत बोधम, ऐसा कुछ है, ही स्टार्ट्स थिंकिंग कंटेम्पलेटिंग, क्या है, सतत बोधम केवलानंद रूपम निरूपम अतिवेलम नित्यमुक्तम निरीहम निरवधि गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम कलयति। ये ब्रह्म के एट्रीब्यूट्स है कि नहीं, तो सोचता है कि किमपि सतत बोधम, ऐसा कोई एक बोध है, नित्य ज्ञान स्वरूप, सततम बोधम, कभी अज्ञान उसमें कोई
कभी भी कोई कुछ अज्ञान अवस्था ही नहीं है, नित्यम ज्ञान स्वरूपम सतत बोधम, ऐसा कोई केवल आनंद रूपम, केवल आनंद माने कभी भी दुख नहीं है उसमें, शुद्ध केवल आनंद, उस तत्व में निरूपम उपमा रहितम, कंपैरिजन नहीं वो कर सकते, निरूपम अतिवेलम बाउंड्रीलेस सीमातीत, अतिवेलम नित्य मुक्तम एवर लिबरेटेड फ्रीड, नित्य मुक्तम निरीहम इच्छा रहित वस्तु जिसमें कोई इच्छा नहीं है, निरवधि गगनाभम वाह, निरवधि गगनाभम आकाश के समान सदृश, क्योंकि आकाश और ब्रह्म के बीच में कई चीजें कॉमन है, इसलिए आकाशवत कहते हैं। जैसे आकाश उपमा देते हैं, आकाश का उपमा, आकाश में क्या क्या है देखिए, आकाश एकत्व है, आकाश एक ही है ना, ब्रह्म में एकत्व, आकाश असंगत्व, ब्रह्म असंगत्व, आकाश में निर्विकल्पत्व इज देर, वो तो निर्विकल्प है आकाश, है ना, ये भी ब्रह्म भी निर्विकल्पम, आकाश निराकार है ब्रह्म भी निराकार है, आकाश असंग है ब्रह्म भी असंग है, आकाश सबका आधार है ब्रह्म भी सबका आधार है, मगर आकाश ब्रह्म में क्या है, आकाश जड़ है ब्रह्म जड़ नहीं है, मगर कई चीजें हैं आकाश और ब्रह्म के बीच में हम समान रूप में देख सकते हैं, इसलिए कहा गया निरवधि गगनाभम, गगन जैसे अवधि रहित बाउंड्रीलेस स्काई, निरवधि निस्सीम आकाश के सदृश, निष्कलम कला माने पार्ट्स, निष्कलम माने उसमें कोई भाग नहीं है, निष्कलम निर्विकल्पम विकल्प शून्य, उस ब्रह्म तत्व के बारे में हृदि कलयति, कौन विद्वान, कब समाधव, ब्रह्म कैसा है पूर्णम ब्रह्म पूर्णम, ये है अभ्यास, ठीक है। अब ये नेक्स्ट श्लोक कल देखेंगे, प्रकृति विकृत शून्यम भावनातीत भावम समरसम असमानम मान संबद्ध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधम, ये कल हम देखेंगे, टाइम लगता है इसको। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांतिः, हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।